कांग्रेस पार्टी हमेशा सक्षम है अकेले लड़ने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पहला उद्देश्य है कि महागठबंधन मजबूत हो और एनडीए कमजोर हो। आरजेडी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने अब तक ये बयान नहीं दिया है कि हम महागठबंधन में नहीं, हम अकेले विधान परिषद के 24 स्थानीय निकाय का चुनाव हम लड़ेंगे। अकेले लड़ने का दुष्परिणाम तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी कांग्रेस दोनों भोग चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दोनों तैयार है, लेकिन इसी बीच जो कि गठबंधन है, महागठबंधन है राजद कांग्रेस का, अब उसमें दरार नजर आ रही है। और साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने इसको लेकर काफी कुछ क्लियर कर दिया है, काफी कुछ बताया है एमएलसी चुनाव को लेकर कि स्वतंत्र है राजद कोई भी फैसला लेने के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अभी तक इस पर खुलकर कोई बात सामने नहीं आई है और हमेशा से उनका मकसद यही रहा है कि गठबंधन मजबूत हो और एनडीए को तोड़ सके। क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ क्लियर कर रहे हैं राजेश राठौर एमएलसी चुनाव को लेकर, आप भी सुनिए। कि आरजेडी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने अब तक ये बयान नहीं दिया है कि हम महागठबंधन में नहीं, हम अकेले विधान परिषद के 24 स्थानीय निकाय का चुनाव हम लड़ेंगे। क्योंकि अकेले लड़ने का दुष्परिणाम तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी कांग्रेस दोनों भोग चुकी है, लेकिन आरजेडी का ही निर्णय था कि अलग लड़े, तो अलग लड़ने का दुष्परिणाम जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने देखा तो उस परिणाम के बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा वह चुनाव हम महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। अर्थात कि जो स्थानीय निकाय का चुनाव होगा, वाम मोर्चा, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेगी। तो जब ऐसी स्थिति वो भाप गए तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी भी हिम्मत करेगी अलग चुनाव लड़ने का, और जब वो अलग चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस भी स्वतंत्र होगा, और जब कांग्रेस आरजेडी अलग अलग लड़ेगा तो परिणाम तारापुर और कुशेश्वर स्थान जैसा होगा। तो न ये आरजेडी चाहेगी, न कांग्रेस चाहेगा, न वामदल चाहेगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी एक कह देना बड़ी जल्दबाजी होगी कि बात नहीं बनेगी, चूँकि बात जब नहीं बनी थी उपचुनाव में तो दो तैयार हैं लड़ने के लिए। मैंने क्या कहा कि अभी एक कहना जल्दबाजी होगा, जब उन्होंने छोड़ा था तारापुर विधानसभा और कुशेश्वर स्थान के चुनाव में, उपचुनाव में हम अकेले प्रत्याशी दिए थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा सक्षम है अकेले लड़ने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पहला उद्देश्य है कि महागठबंधन मजबूत हो और एनडीए कमजोर हो, इसलिए महागठबंधन की एकजुटता का प्रयास अंतिम क्षण तक कांग्रेस पार्टी करते रहेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है राजेश राठौर का, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है एमएलसी चुनाव को लेकर। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ खुलकर सामने आता है इस एमएलसी चुनाव में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।